देखिए एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7, चैप्टर का नाम ट्रायंगल और क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन जो है थर्ड से मिलता जुलता है, सिमिलर है, लेकिन यहाँ और वहाँ में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस ये है, पहले उसने दोनों साइडें दे रखी थी इक्वल और बोला था कि इसके जो परपेंडिकुलर है वो इक्वल बताना है। अब उसने इसके दोनों परपेंडिकुलर इक्वल दे रखे हैं और बोला है कि इसकी साइड इक्वल होगी, उसके मिलता जुलता है लेकिन डिफरेंट था। तो हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसीडी दे रखा है, उस ट्रायंगल एबीसीडी के अंदर बीई परपेंडिकुलर एसी है और सीएफ इज परपेंडिकुलर ऑफ दिस है। साथ में अपने पास दे रखा है कि बीई और सीएफ दोनों इक्वल है। बीई और सीएफ क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अब हमको बताना है कि ये वाला ट्रायंगल कौन सा, ए बी और ई और ए सी एफ दोनों क्या हैं, इक्वल है। यहाँ इसने उल्टा कर दिया, कैसे बना दिया इसने, ऐसा बना दिया, ठीक है, ऐसा, और फिर इसी लाइन को उसने आगे लेके ऐसा, ठीक है। ये ए, ये हो गया एफ, ये हो गया बी, ये हो गया ई और ये हो गया सी। देखो ए बी कहाँ है, ए बी, ए बी ई और ए सी एफ। अब ये साइड और ये साइड इक्वल है, दे रखिए। अब हम दोनों ट्राइंगल में लेंगे, इस वाले ट्राइंगल उस ट्राइंगल में, तो एंगल ई बराबर एंगल एफ, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ये भी कितने डिग्री का है, 90, ये भी 90, ये 90 हो गया इस 90 डिग्री। अब देखिए इस ट्राइंगल में भी ये एंगल है और दूसरे में भी एंगल है, दोनों में एंगल है, क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ ये ए इक्वल है, कॉमन हो गया। साथ में अपने पास दे रखा है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या है, इक्वल है, मतलब बी बराबर सी एफ दे रखा था। यदि ये बराबर है तो हमने देखा कि एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से आपका ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट हो गया तो ए बी किसके बराबर है, ए सी के। रीजन क्या है, सी पी सी टी और फॉर्म ऑफ सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो जब किसी भी ट्राइंगल की दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। लेकिन यदि किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटर ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। और यदि किसी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का है तो राइट ट्राइंगल बोलते हैं। ओके, दैट्स क्लियर, थैंक यू वेरी मच।